हेलो फ्रेंड, नमस्ते नमस्ते। वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका कुमारी 94 किचन में। आपको मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ। आज आप सबके लिए देखिए बिना मोल्ड के मेवे के मोदक लेकर आई हूँ। देखिए आपको टूथपिक से सभी को हमने बनाकर इसी तरह तैयार किए हैं। इसमें कलर उलर कुछ नहीं है, ना चीनी है, ना इसमें आप जो शुगर चीनी नहीं खाते हैं, चीनी के पेशेंट है वो बिल्कुल बिल्कुल इसे खा सकते हैं। और देखिए ये टूथपिक से मैंने सभी को बनाए हैं और देखिए आपको दिखा रही हूँ बनाकर। मैंने सभी को टूथपिक से ही बनाए हैं और ये मेवे के हैं। मेवे को तो इसी तरह भी अच्छे लगते हैं, पर इस तरह से आप बनाइएगा ना तो बहुत टेस्टी लगता है। देखिए हमने 150 ग्राम मेवे ले लिए हैं और इसे देखिए आपको दबाकर दिखा रही हूँ। अब इसको देखिए, मेवे को हमने अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिए थे और मुलायम हो चुका है ये। और देखिए इसके इसमें हम डालने के लिए हम मिल्क पाउडर और कोकोनट पाउडर लिए हैं। देखिए ये कोकोनट मिल्क पाउडर है और एक कोकोनट पाउडर है। और हम आज गुड़ से बनाएंगे। गुड़ भी बहुत मतलब ज़्यादा नहीं लिए, बहुत कम ही लिए हैं। अब देखिए ये घी हमने कढ़ाई में एक चम्मच मात्र घी डाले हैं। और घी जब पिघल जाएगा तो हम इसमें हम डालेंगे ये मेवे। मेवों को अच्छे तरह से हम सिर्फ लो फ्लेम पर इसे मतलब थोड़ा सा गर्म रोस्ट करना है। और देखिए ये रोस्ट हो चुका है। अब इसी में हम डालेंगे कोकोनट पाउडर, आधा ही डालेंगे और इसे बचा लें रख लेंगे। और देखिए हमने कोकोनट पाउडर को भी मिला दिए। अब इसमें हम डालेंगे आधा ही मिल्क पाउडर और इसे भी मिक्स कर लेंगे। आधा बचा कर रखेंगे, इसका आगे प्रोसेस करेंगे तो आपको बताएंगे। और देखिए अब हम आधा ही इसमें हम गुड़ डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसको बिल्कुल लो फ्लेम या आप फ्लेम बंद भी कर सकते हैं ताकि ये गर्म रहता है और पिघल जाएगा ये। और देखिए इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर सभी प्रोसेस करना है और इस सबको हम मिक्स कर लेंगे। हम ना इसमें कलर का यूज कर रहे हैं ना कुछ का यूज कर रहे हैं। आपके सामने बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी मोदक लेकर आए हैं। गणपति का अब विदाई का टाइम है तो हमने सोचा गणपति को विदा करते करते मोदक का एक और बार रेसिपी शेयर आप लोगों को साथ कर शेयर करती हूँ। देखिए सभी बेटर मिक्स हो चुके हैं। अब इसे हम प्लेट में निकाल लिए हैं और देखिए ये सब निकाल चुके हैं। और देखिए अब हम गुड़ आधा जो निकाल के रखे थे ये रख लिए। अब जो सभी आधे आधे सामान बचाए थे उसको हम इसका फिलिंग बनाने के लिए प्रयोग करेंगे। सभी को देखिए हम बारी बारी से रख के मिक्स कर ले रहे हैं। देखिए ये अपने चुटकी से आप मिक्स कर लीजिएगा। देखिए हमने ये चुटकी से मिक्स कर लिए, ये बहुत आसानी से मिक्स हो जाती है। और गुड़ के साथ ये देखिए अब हम इसे सबको लड्डू बना लेंगे। जितना भी बने अब सबको हम लड्डू बना लेते हैं। और देखिए ये लड्डू अच्छी तरह से बन जा रही है, आपको दिखा भी रहे हैं। देखिए किस तरह से ये लड्डू बनकर पूरे तैयार हो गए, पूरे 5 लड्डू बने हैं। और देखिए अब हमने सभी चीज़ों को एक साथ रख लिए। अब इसका भी एक गोला बना लेंगे। आपको मैं बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं की हूँ, आपके बिल्कुल सामने ये सब प्रोसेस कर रही हूँ। और देखिए इसको हम एक कटोरी चिपटा कर लेंगे और एक कटोरी जो पूरी कचौड़ी बनाते हैं ना उसको इस तरह से बनाकर इस तरह से इसको बंद करेंगे चुनियाते हुए धीरे धीरे। ये मेवे हैं, थोड़े इसको चिकनाते हुए बनाएंगे ताकि ये हमारा अच्छा से बने और अच्छी से दिखे। और सभी को ऐसे से चिकनाते हुए देखिए ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। और आपको हम एक और भी बनाकर दिखाएंगे। ये देखिए आपको इतना चिकना बना है, आप भी इस तरह से चिकने बनाइएगा। इसमें हमने कलर का इसलिए नहीं प्रयोग किया
कि चलिए कलर का क्यों प्रयोग करें, ये तो अपने गुड़ से बना है और टेस्टी भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। कलर शोभा के लिए लोग लगाते हैं। मैंने एक बार कलर वाला पहले भी बनाकर वीडियो अपलोड की थी और उसमें आप लोगों का प्यार मिला था। इसमें भी आप लोग प्यार सपोर्ट करिए, अच्छा इस तरह से बनाकर आपके पूरे फैमिली खुश हो जाएंगे। और मेवे मैं अपने घर पे ही बनाई हूँ, बहुत टेस्टी मेवे बने, आप घर पे भी बना सकते हैं। 1 किलो के दूध का सिर्फ मेवा था, आप इसे घर पे देखिए, इसे इस तरह से चिकना करते हुए सभी को बना लेंगे। देखिए दूसरा भी आपको बात बात करते हुए प्रोसेस बता दिए, और देखिए सभी को इसी तरह हम बना कर तैयार कर लेंगे, देखिए किस तरह से। और देखिए बिना मोल्ड के हम आपको टूथ पिक से किस तरह से डिजाइन बनाना बताते हैं। देखिए इस तरह से दबाते हुए आप डिजाइन बना, बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये बिना मोल्ड के बना हुआ है। जिसके पास मोल्ड नहीं रहता है तो क्या वो मोदक नहीं खा सकते? ज़रूर खा सकते हैं, डिजाइन वाला भी मोदक खा सकते हैं। देखिए ये डिजाइन वाला मोदक बनकर तैयार है। अब इसे हम सजाने के लिए सिल्वर पेपर का थोड़ा इस्तेमाल करेंगे ताकि और भी ये मोदक स्वादिष्ट और दिखने में सुंदर लिखे, देखिए। और इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट भी प्रयोग करेंगे, देखिए आपके सामने मैंने एक बचा कर रखे थे आपको, और देखिए आपको दिखाने के लिए ये देखिए आप सिल्वर पेपर इस पे भी हम लगा देते हैं और इसे ड्राई फ्रूट से भी सजा देंगे। हमारे यहाँ थोड़ी रोड पे ट्रैफिक रहती है ना, तो इधर उधर से आवाज़ें आती रहती है, तभी मैं कितना बचाकर बनाती हूँ तभी थोड़ा ना थोड़ा वीडियो में आवाज़ आ ही जाती है। देखिए हम इसे बादाम से हम सजाएंगे, बादाम वो ड्राई फ्रूट है, उसे हम थोड़ा सा सजा लेंगे तो और भी लुक अच्छा लगेगा। देखिए एक इस तरह कितना अच्छा और टेस्टी लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, बाय।